अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं जी। तो आज हम लोग जा रहे हैं, वी प्ले चुके हैं E11 इस्लामाबाद में, और आज हम लोग बहुत फन करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखे बगैर कहीं ना जाइएगा, एंड लाइक इट, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब किए बगैर भी कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड। हम कहाँ जा रहे हैं वी प्ले? हम कहाँ जा रहे हैं वी प्ले? इतना रश क्यों है आज रोड्स पे? बहुत ज़्यादा रश है भाई आज रोड्स पे, पता नहीं क्यों। हालांकि अभी 4:30 हो रहे हैं, इतना रश क्यों है? हमारा सिग्नल बंद है, पीछे से हमें सिग्नल बंद ही मिलते आ रहे हैं, फिर से वही रश। इस्लामाबाद में नॉर्मली इतना रश हर वक्त नहीं होता, बट आई गेस ये ऑफिस का ऑफ टाइम है और मेरा सिग्नल खुल गया है। ओके जी, ये कौन सी किताब में लिखा है भाई कि एक सिग्नल आपको बंद मिलेगा, जिस दिन उस दिन सारे ही सिग्नल बंद मिलेंगे? ठीक है, मामा का फेस नहीं लेकर आना, ठीक है बेटे? बना रही हूँ। फेस नहीं लेकर आना ना, फेस नहीं रह रही। ठीक है, अभी मैं आपको रुको बताती हूँ। कुछ भी नहीं, सामने कार जा रही है। हाँ बस ठीक है। ओके जी, हम जा रहे हैं वी प्ले। आज हमें बहुत ज़्यादा रश मिला है, आई डोंट नो कि क्या रीज़न थी, और इसको वीडियो बना रही है हरीम। हरीम से हाय। हाय। ओके जी हरीम, वेयर आर यू गोइंग? आई वी प्ले। इनको नाम भूल गया था वी प्ले का। अच्छा जी, ये है E11 में, इस्लामाबाद में E11। आज तो कोरोना थोड़ा हो गया। मेरे बच्चे COVID-19 के बाद अब जाने लगे हैं। जी हमने वी प्ले में पहुंच चुके हैं, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, और इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये प्ले एरिया है इस्लामाबाद का, आई गेस सबसे अच्छा प्ले एरिया यही है। इसके अलावा भी काफ़ी प्ले एरियाज हैं, लेकिन आई गेस सबसे अच्छा प्ले एरिया इस्लामाबाद का यही वाला है, और मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता देती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। इस प्ले एरिया जो कि वी प्ले है E11 में, इसका कार्ड ऐसे होता है मोस्टली हर प्ले एरिया का, मैं आपको और कार्ड्स भी दिखा देती हूँ, उनके भी यही ऐसे ही होते हैं कार्ड्स। मेरे पास कुछ और कार्ड्स पड़े होंगे यकीनन। ये फ़न फैक्ट्री का पड़ा हुआ है, ये है एम्पोरियम मॉल में लाहौर में, हम कुछ अर्सा लाहौर रहकर आए थे तो उस वक्त ये यूज़ हुआ था। इसी तरह मेरे पास, लेट मी चेक कोई और कार्ड पड़ा हुआ है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक। तो ये नहीं, ये तो मेरा ATM कार्ड है, लेट मी चेक। आई गेस मेरे पास और कार्ड अभी नहीं है, इस वाले बैग में नहीं है, एक और है, एक और भी है हमारे पास, फन सिटी का कार्ड भी है हमारे पास, ये है जी सेंटोरस मॉल का। अब मैं आपको, जो लोग कभी प्ले एरिया नहीं गए उन लोगों के लिए, उन लोगों की आसानी के लिए मैं आपको इन कार्ड्स का स्टोरी सुना देती हूँ कि इन कार्ड्स का तरीका क्या है। ये सारे कार्ड्स हों, वी प्ले हो, फन फैक्ट्री हो, फन सिटी हो, और भी ऐसे जितने भी प्ले एरियाज हैं, इन सब कार्ड्स का आपने सिर्फ करना क्या होता है कि आपने सिर्फ जाना होता है अंदर और उनको कहना होता है कि हमें एक कार्ड बना दें, और आपने जितने की भी राइड्स लेनी होती हैं आपने उतने का इसको लोड करवा लेना होता है, सिंपल। और एक दफ़ा लोड हो जाता है, एक दफ़ा आपके पास कार्ड आ जाता है, तो बस आप उसको रीलोड बार बार करवा सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त, जब भी आपको दोबारा जाना हो। ये कार्ड मैंने तकरीबन 3 साल से, मैं वी प्ले हम लोग आ रहे हैं तो 3 साल पहले ही मैंने ये कार्ड बनवाया था, और यही कार्ड मेरा यूज़ हो रहा है।
ओके जी, अभी हम एंट्रेंस पे आ चुके हैं, यहाँ से हमने एंटर होना है। यहाँ पर कार्ड लोड करवाना है अपना। चार्ज करवा चुकी हूँ और मास्क ने नहीं लाइक किया आज अपना, तो मास्क भी मैं ले चुकी हूँ, यहाँ पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और अब हमने सिर्फ कार्ड को वहाँ पर स्वाइप करना है। ये हम कार्ड यहाँ पर स्वाइप कर लेंगे और ये हमारे लिए खुल गया। ओके जी, हम एंटर हो गए हैं। कोविड के बाद हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का दिखा देती हूँ। ये कैरोसॉल है यहाँ पर, ये है यहाँ पे कॉफ़ी प्लैनेट बना हुआ है यहाँ पर, वहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं बार बार। वहाँ पे कुछ बंद, वेट अ मिनट, इनका ट्रैम्पोलिन एरिया है और ये इनका जंपिंग कैरेक्टर है। वेट अ मिनट, हमको प्ले फ्रेम में जाना है मुसाहरी जी। इधर इनका टॉडलर एरिया है जो कि बिल्कुल फ्री है और इन्होंने भी इसको पैकअप करके रखा हुआ है, क्योंकि जब हम जाने लगे यहाँ के अंदर और मेरे प्ले फ्रेम में ही जाना होता है। बेसिकली छोटे बच्चों के लिए ये वाला एरिया बहुत एक्यूरेट है, यहाँ पे बहुत उन्होंने छोटे बच्चों के लिहाज से डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत ही अच्छा है ये फ्रेम जो है। और इसके चार्जेस हैं 800 पर चाइल्ड। जब हम COVID-19 से पहले आया करते थे तो इसके चार्जेस लाइक हम हैप्पी आवर्स में मोस्टली आया करते थे, जो कि 2 o'clock से लेकर 4 o'clock तक हुआ करते थे। और 2 o'clock से लेकर 4 o'clock तक हैप्पी आवर्स होते थे और उसमें सारी राइड्स A to Z जितनी भी राइड्स हैं इसके अंदर वो 50% ऑफ हो जाया करती थी। तो ये प्ले फ्रेम जो है 400 पर चाइल्ड होता था उस टाइम, लाइक अगर आप हैप्पी आवर्स में आ रहे हो तो। एंड दैट्स इट। Okay, हरीम इज कमिंग। हरीम हमेशा ही उल्टा आती है उसको। टायर्स ले लिए हैं अपने और इसको अभी ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे, अभी यहाँ से स्लाइड लेंगे। आज कंपैरेटिवली रश बिल्कुल भी नहीं है, ये अलाउ नहीं कर रहे ज़्यादा लोगों को अंदर आने का। क्या हुआ जानी? मामा आ रही हैं, लेट्स गो। वरना ऊपर जब रश होता है एक अटेंडेंट बैठी होती है जो कि बच्चों को हेल्प आउट करती है, तो वो यही बता रहे हैं कि ऊपर आंटी कोई भी नहीं है, लेट मी हेल्प आउट देम। चलिए मामा आपकी हेल्प करें, क्या आप ले जाएंगे? चलो वन टाइम ले जाओ, बाकी मैं हेल्प कर दूँगी। मैंने इनको मास्क इसलिए नहीं पहनाया है कि खेलते हुए बच्चे को थोड़ा वैसे ही सांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मास्क पहन के और ज़्यादा हो जाएगा। ओके वेट,
ओके ये वाला जो एरिया है दिस इज द बेस्ट एरिया बेस्ट पार्ट। यहाँ पे बच्चे बॉल डालेंगे और बॉल ऊपर बास्केट में चढ़ गया और अभी बास्केट इन्होंने ऑन की देंगे और ये फिर बास्केट नीचे आ गई। इस एरिया में थोड़ा शोर है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। गोइंग अपसाइड जी मैं ऊपर आ गई हूँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि हो क्या है यहाँ पर। लुक आप उसको मार। व्हाट आर यू बोथ डूइंग मुसाहरीन? ओके सेरिया में इस इनकी वजह से शोर हुआ है इस एरिया की वजह से क्योंकि इसकी काफ़ी आवाज़ है इस एयर प्रेशर की। और मुसहरी वहाँ चले गए हैं। लेट्स सी वेयर आर दे गोइंग। ओके बहुत सारा एक बॉल पैक है इन्होंने बंद किया हुआ है जिसको COVID-19 की वजह से। वेट अ मिनट अदरवाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुसहरीम वेयर आर यू? मुसहरीम इसके बीच में से होते हुए मुसहरीम वेट आई एम कमिंग। ओके यहाँ पे आओ मुसहरीम वेट। मुसहरीम यहाँ पे आओ पहले बेटा एक बार यहाँ पे आओ तो सही। हमने ऊपर जाना था वहाँ वो देखो वहाँ ऊपर नहीं जाना। ओके
भाई जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, और आप लोगों के लिए मैं इतना ऊपर तक आ चुकी हूँ इस प्ले फ्रेम में। आहिस्ता आहिस्ता, ओके आई एम कमिंग। It's okay. It's okay. जाओ हो आओ मम्मी। मामा इधर देख रही हैं आपको। जाओ, चले जाओ। ओके, ये इनका ट्रैम्पोलिन एरिया है जो आई थिंक टेम्पररी बंद है फिलहाल। और ये वाला इनका जो अपर फ्लोर जो आपको सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे बर्थडे रूम्स बने हुए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू कम जानी, मामा इस साइड पे नहीं आ सकती। ओके जी, ये सामने इनके बर्थडे रूम बने हुए हैं। अभी ये बहुत हद तक बंद हुआ हुआ है, मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ कोविड-19 की वजह से। पहले तो ये बिल्कुल ही बंद था, लेकिन मेरे बच्चों को वो, देयर इज मूसा इन द ऑरेंज बॉल। ओके जी, जब भी यहाँ पर आए तो अपने साथ किसी को लेकर आए, वरना आप बहुत सख्त किस्म में बोर होने वाले हैं। बच्चे तो खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ। सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे अकेले आई हूँ, और मैं किसी न किसी अपने फ्रेंड को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को किसी के साथ लेकर आती हूँ जो मुझे काम नहीं दे सके। ओके जी, ये वाले जो रॉड्स आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, इनसे आप इस पैनल के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे एच लिखा है, एच हरीम एंड एम मूसा। मूसा लुक, हाँ एच एंड एम, मम्मी रॉड एम एम। ओ गोशी वापस लगाए, गोशी दिस इज नॉट गुड थिंग। एम, पुट इट बैक गोशी, एज खराब हो गया हरीम का एज। ये हेलो मिमी, मिमी लुक, मम्मी ने आपके लिए क्या लिखा है? कैन यू राइट एनी अदर थिंग मूसा? व्हाट आर यू गोइंग टू राइट Yoshi, what are you going to write? What are you making?
ओके जी, मूसा इज मेकिंग समथिंग। मूसा आप क्या बना रहे हैं? स्क्वायर। यू आर मेकिंग अ स्क्वायर। ओके जी, मूसा यहाँ पे स्क्वायर बना रहा है। मम्मी ने H&M लिखा है। कोई और ले लो बेटा, ये वाला ख़राब हुआ बेटा। ये वाओ, दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। उसे दूसरे वाला ले लें। ओके ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। मुझे से हाय, मुझे से हाय। ये H&M हम यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। ये वाला एरिया इन्होंने बॉल पेट वाला बंद किया हुआ है। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर बिग बॉयज। ये आपके लिए नहीं है जानी, इसे बहुत जोर की लगती है, ये बिग बॉयज के लिए। एक दफ़ा मैं इस तरह की कार में बैठ गई थी बड़े शौक से, एंड यकीन मानिए देखने में नहीं लगता, लगती बहुत ज़ोर से, शदीद किस्म के ज़ोर से आपका सब कुछ हिल जाता है। What are you doing, Musa? फॉर बिग बॉयज, ये आपके लिए नहीं है, बिग बेबी। व्हाट हैपेंड? वाओ। ओके जी, यहाँ पे शोर हो रहा है इन कार्स की वजह से और कुछ इस वॉल एरिया की वजह से। ओके, मुझे गोइंग इनटू दैट एरिया। ओके, एक दफा लास्ट टाइम ये लेने, देन वी हैव टू गो। घर जाना है। अच्छा चलें, आप गेम वाले भी खेलने हैं। ओके चलें जल्दी से। ओके जी, ये दोनों यहाँ से जा रहे हैं। खुद नहीं बैठ सकती। ओके वेट। ओके मुसा हरीम से हाय। ओके, मैं इनको पुश करने के लिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी कोई अटेंडेंट अवेलेबल नहीं है। ओके वेट 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 वेट, आई हैव टू वेट, यू पीपल आर हैप्पी। ओके वेट। Wearing this slipper. Mimi, hurry up. Mimi, Jani, ये आपके नहीं है। What are you doing here? This is not for you. Okay, let's go, Mimi. Mimi, let's go. Khelna. It's a real dinosaur. Mimi, touch karke dekhiye usko. Mimi, touch karke dekhiye, real hai. Is this real? No. Four.
Dev, what are you doing? Goshi behave, get down, Musa. Musa, get down, uncle. न्यू कार नहीं आता होएगा। बाबा के साथ आएंगे तो ये वाले आप लेंगे, ठीक है? राइट। करें कार्ड का स्वाइप करें, देखें वो क्या लिखा आ रहा है। अब देयर इज नो बैलेंस इन इट, लो बैलेंस। देखें क्या लिखा आ रहा है, चेक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप जहाँ मर्जी करके देखें मेरी जान। चलें बैलेंस ख़त्म हो गया, अब गिव इट बैक टू मी। कार्ड मामा को दे दें, जानी बैलेंस ख़त्म हो गया, कार्ड मामा को दे दें। मूसा लेट्स गो, मूसा ओके जी। यहाँ पर वुमेन्स ओनली फिटनेस बुटीक भी है, से बाहर एवी प्ले से। अभी अभी हम बाहर निकले हैं और थोड़ी देर पहले ही निकले हैं और अब हम घर जाने लगे हैं। और मुसानी मम्मी कहाँ जाना है, अपने घर जाना है कि कहाँ जाना है? नानो के घर। जी बच्चों ने फरमाइश आपके नानो के घर जाना है, तो पहले हम जाएंगे इनके नानो के घर यानी कि मेरी मामा की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे अपने घर। सो आज के लिए इतना ही आई गेस। मुसानी आप दोनों ने इंजॉय किया मेरी जान? बहुत ज्यादा एंजॉय किए। यस। ओह वाओ, मामा को थैंक यू तो बोला ही नहीं किसी ने भी? थैंक यू। ओके मेरी आप ओके चलें जी, आज के लिए आई गेस इतना ही काफी है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं ड्राइव करने लगी हूँ, सो टिल देन अल्लाह हाफिज। अब हम जी रात की हो रही है 10 और अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि हम मैं अपनी मामा की तरफ चली गई थी, है ना मुसहरीम? हम कहाँ गए थे? नानो के घर। ओके मेरा सिग्नल खुल गया, आई एम गोइंग।